आजकल आपने देखा होगा, किसी को भी पेट से जुड़ी दिक्कत कुछ ज़्यादा दिनों तक रह जाती है तो डॉक्टर्स टेस्ट के बाद बोलते हैं फैटी लिवर है पेशेंट को। आखिर ये इतनी बड़ी बीमारी वाकई में है या डर का बिजनेस चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विकास। आज हम लोग फैटी लिवर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर बात करेंगे और जानेंगे इसके पीछे का सच कि क्या और क्यों है। हम वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के बिजनेस को समझ सकें कि वो आपसे कैसे पैसे लूट रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फैटी लिवर, जिसे हेपाटिक स्टियाटोसिस के नाम से भी जाना जाता है, एक कंडीशन है जिसमें लिवर का वेट लगभग 5 से 10% फैट डिपॉजिट लिवर पर हो जाता है, तब वह फैटी लिवर कहलाता है। इसको ऐसे समझते हैं, एक इंसान के लिवर का वेट ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 1500 ग्राम तक होता है। इसमें जब लगभग 150 ग्राम फैट डिपॉजिट हो जाता है तब वह फैटी लिवर कंडीशन होता है। इसकी टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जो एक्सेस शराब कंजम्पशन से होता है। दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, ये वो कंडीशन है जो मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और गलत खान पान से होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो जब भी किसी इंसान में यह कंडीशन डेवलप होता है तो उसे थकावट, कमजोरी, पेट दर्द, स्पेशली पेट के राइट साइड में ऊपर लिवर होता है जहां वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। जॉन्डिस, जी मचलाना, उल्टी होना, डार्क यूरिन होना और पेल स्टूल होना जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। लिवर हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो बॉडी में ग्लाइकोजन, विटामिन और मिनरल्स स्टोर करता है। बाइल प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सक्रीशन और एंजाइम एक्टिवेशन का काम भी करता है, इसलिए यह इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बन जाता है बॉडी के लिए। यह इकलौता ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जो खुद को रिग्रो कर सकता है। इसलिए अगर किसी भी इंसान का लिवर अप्रॉक्सीमेटली 50% भी खराब हो जाता है तो प्रॉपर मेडिकेशन, खान पान और केयर से ठीक किया जा सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज आजकल यंगस्टर्स में काफ़ी कॉमन होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है मोटापा, जो कि जंक फूड्स और गलत टाइम पर खाना खाने से हो रहा है। आजकल यंगस्टर्स पेट भरने पर फोकस्ड हो गए हैं, प्रोसेस फूड पर कम या नहीं ध्यान देते हैं। नूडल्स, मोमोज सबकी जान बन चुका है, जो धीरे धीरे आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। बाहर का खाना, देर रात में खाना खाना, सुबह नाश्ता नहीं करना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा कंज्यूम करना, ये सब फैटी लिवर के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो आपको हेल्थी से बीमार इंसान बनाने के लिए काफ़ी है। डॉक्टर्स का फैटी लिवर को सीरियस इशू बताना दो फैक्ट्स को पेश करता है। पहला गुड फैक्ट है, कुछ डॉक्टर्स अच्छे होते हैं और चाहते हैं कि उनका पेशेंट कम खर्च में जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए वो पेशेंट को सच बताते हैं और प्रॉपर केयर, मेडिकेशन से ठीक करते हैं। पर इनकी तादाद काफ़ी कम है, क्योंकि अर्ली स्टेज में फैटी लिवर रिवर्सिबल होता है और इंसान नॉर्मल हो जाता है। दूसरा है मनी फैक्ट, जो अच्छे डॉक्टर्स के बाद बचे हुए डॉक्टर्स होते हैं जिनकी संख्या काफ़ी अधिक है, वो पेशेंट्स को पूरा सच नहीं बताते हैं, फिर टेस्ट के नाम पर मोटा पैसा लेते हैं, बाद में महंगी दवाइयां लिखते हैं जिनसे उन्हें अच्छा कमीशन मिल सके। इन डॉक्टर्स की एक पहचान है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और जितना हो सके आपको डराएंगे। इसमें पूरी गलती डॉक्टर्स की भी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स इन्हें टारगेट देते हैं जो उन्हें पूरा करना होता है। ऐसी जगह आप जाते हैं तो आप डॉक्टर्स के पेशेंट कम और हॉस्पिटल के टारगेट ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर कि इससे बच कैसे सकते हैं। अगर आप सही टाइम पर सही खाना खाना शुरू कर दें तो आप पहले पड़ाव पार कर लें। दूसरा, रिफाइंड ऑयल यूज़ करना बंद कर दें। इसकी जगह पर आप कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अनरिफाइंड ऑलिव ऑयल भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फैटी, ऑयली, जंक फूड खाना छोड़ दें। अधिक इच्छा होने पर घर पर ही बना लें। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुबह खाली पेट नारियल पानी पीना। इसे पीना आप शुरू कर दें, आपको फर्क एक सप्ताह के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा दें। ऑयल कम से कम यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल रिफाइंड ऑयल आजकल मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज़ के जड़ है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 फैटी लिवर को आप प्रॉपर डाइट, केयर, मेडिकेशन और एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड बढ़ने पर आपको सचेत होकर सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी समय ऐसा फील हो कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं चल रहा है
दूसरे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वैसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स आपसे पैसा लूटने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। एक कहावत है, हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ ए पर्सन कैन हैव। इसलिए सेहत का ध्यान रखें और सही टाइम पर सही खाना खाएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनको भी फैटी लिवर का प्रॉब्लम है उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करें और लाइक करें, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैल सके। धन्यवाद।